नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चल रही होगी। और मैं अंजू जम्मू से। फ्रेंड्स, ये आप देख ही रहे हैं, आपके सामने मैंने कुछ समर्स के प्लांट्स की शॉपिंग करी है, उसके साथ साथ आप पॉट्स भी देख रहे हैं। और आज 29 मार्च है और ये जो शॉपिंग करी थी मैंने, ये 28 मार्च को मैंने करी थी। बेसिकली मैं अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी और उनके घर के सामने ही एक प्लाट कुछ जगह है, खाली है, वहाँ पर कुछ गार्डनर्स हैं जो वहाँ पर प्लांट्स वगैरह ग्रो करते रहते हैं और बड़े कम दामों में वो नर्सरीज़ में भी सेल करते हैं और इसके साथ साथ वे लोगों के घरों में एज ए गार्डनर का काम भी करते हैं। और मैं जब भी जाती हूँ तो मैं वहाँ से भी प्लांट्स की शॉपिंग कर लेती हूँ और उसका बेनिफिट ये मिलता है मुझे, बड़े कम दामों में ये जो प्लांट्स हैं, प्लांटर्स हैं, वो मिल जाते हैं। और आप भी अक्सर इसी तरह से किया करें, आप भी जब भी शॉपिंग करें, मैं ये नहीं कहती कि आप नर्सरीज़ में जाके शॉपिंग ना करें, नर्सरीज़ में भी शॉपिंग करें। और लेकिन मैं हमेशा कोशिश होती है, जब भी मैं देखती हूँ कि रोड साइड पे अगर कुछ लोग प्लांट्स लेके बैठे हैं या कुछ लेके बैठे हैं, तो मैं ज़रूर उनसे शॉपिंग कर लेती हूँ। और एक तो उनके प्लांट्स भी सेल हो जाते हैं और हमारा भी बेनिफिट ये होता है कि हमें बड़े कम दामों में ये जो प्लांट्स हैं वो मिल जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी हवा बड़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स हैं, किस किस रेट में लिए हैं। और आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप जब ये ऐसे इस तरह के प्लांट्स जब लेने जाते हैं तो आपको किस कॉस्ट में मिलते हैं। और मोस्टली मैं जब नर्सरीज़ में लेने जाती हूँ कि खासकर जो सीजनल प्लांट्स हैं, अगर मैं इस ड्यूरिंग कोविड के दौरान बात करूँ तो बहुत ज़्यादा महंगाई थी, इवन कि प्लांट्स भी हमें जो सीजनल प्लांट्स थे वो भी काफ़ी कॉस्टली मिल रहे थे। और तो चलिए फ्रेंड्स आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बताते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। और यहाँ पर कुछ सीजनल प्लांट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जीनिया मैंने कुछ लिए थे, ये फ्रेंड्स यहाँ पर ये जीनिया आप देख सकते हैं, अभी एक में कुछ फ्लावर्स भी आ रहे थे। और ये बेसिकली उन्होंने ज़मीन में लगे हुए प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, जहाँ से वो निकाल के देते हैं। और ये जो एक एक जो आपको प्लांट ये जो दिख रहा है, ये मुझे उन्होंने 10-10 रुपीज़ का दिया हुआ, और ज़मीन में से निकाल कर ये जो प्लांट है बड़े अच्छे से इन्होंने अखबार में रैप करके, इवन की मिट्टी जो है वो बिल्कुल गीली करके मुझे दी थी। और एक दिन के बाद मैं अपने घर आई हूँ और ये देख लीजिए प्लांट्स की कंडीशन बहुत अच्छे से है, और ये मुझे 10-10 रुपीज़ के, ये मैंने ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मैंने थोड़े थोड़े ही करके लिए। तो यहाँ पर ये मैंने तीन ही प्लांट्स जो थे, ये मैं यहाँ पर भी आपको बताती चलूँ, ये मैंने जीनिया के सिर्फ तीन ही प्लांट्स जो थे वो मैंने लिए, और इसके साथ साथ ये कॉस्मोस की भी मैंने तीन ही प्लांट मैंने लिए हुए थे। थोड़ी थोड़ी करके मैंने वेराइटीज़ जो थे वो लिए, अभी भी इनको मैंने वाटर डालूंगी क्योंकि अब ये काफ़ी टाइम से इस तरह से ही ये जो प्लांट है वो रखे हुए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी कॉस्मो के, ये भी जो है वो भी मुझे 10-10 रुपीज़ के ही उन्होंने दिए। इसके साथ 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 ये जो बालसम है ये भी मैंने लिए, ये भी उन्होंने मुझे 10-10 रुपीज़ के दिए। ये देखिए फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी कंडीशन में थे और यही प्लांट अगर नर्सरीज में लेने जाएँ तो काफ़ी कॉस्टली भी मिल रहे हैं, सीजनल प्लांट्स भी काफ़ी कॉस्टली मिल रहे हैं। और ये देखिए, ये भी 10-10 रुपीज़ में दिए। और जीनिया के मैंने 4 ले लिए थे फ्रेंड्स, मैं भूल गई, ये देखिए फ्रेंड्स, और बर्ड भी इसमें आ रखी हुई है। और इसके साथ साथ कुछ मैंने मिर्ची की, मैंने इस बार मैं सोच रही हूँ कि कुछ वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो भी थोड़ी सी ग्रो करूँ, और कुछ मिर्ची के ये जो सैपलिंग थे ये मुझे उन्होंने इसी तरह ऐसे ही मुझे उन्होंने दे दिए, कुछ इन्होंने पौध दे दी। और इसके साथ साथ ये मैं यहाँ पर एक ये करेले की ये 2 प्लांट हैं, ये भी उन्होंने इसी तरह से अपने आप ही उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही उन्होंने मुझे दे दिए। और इसके साथ साथ ये फ्रेंड्स मैं बताती चलूँ, यहाँ पर ये सीरम की वैरायटी है, ये भी बड़ी कम कॉस्ट में उन्होंने मुझे दिए, ये भी मुझे उन्होंने 40-40 रुपीज़ के दिए, जबकि इसकी भी कॉस्ट नर्सरीज़ में अगर जाएं तो बड़ी ज़्यादा कॉस्टली है। और यहाँ पे फर्न भी रखी हुई है, ये भी मुझे उन्होंने 40-40 रुपीज़ के ये जो प्लांट थे ये दिए। और इसके साथ साथ ये एक्लिफा का प्लांट है, ये मुझे उन्होंने 20 रुपीज़ का दिया। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये रोज़ की वैरायटी है और ये भी मुझे उन्होंने 20 रुपीज़ के दिए। यहाँ पर स्पाइडर प्लांट है, ये भी 20-20 रुपीज़ का मुझे उन्होंने दिया। और बाय लकली मुझे बेबी सन रोज़ उनके पास मिल गया था,
और किसी भी नर्सरी में नहीं मुझे मिला था और उनके पास रखा हुआ था, वो मुझे बता रहे थे। तो ये भी मुझे उन्होंने 40 रुपीज़ का दिया। और इसके साथ साथ मैं पॉट्स ज़रूर बताऊंगी। फ्रेंड्स, आप अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन प्लांट्स के रेट्स किस तरह से लगे। और ये जो ये यहाँ पर मैं खासकर ये जो प्लांटर्स हैं ये मैं बताना चाहूँगी। ये फ्रेंड्स, ये मुझे उन्होंने ये आप देख सकते हैं इसका साइज़ अगर आपको पता चल रहा हो तो, ये उन्होंने मुझे 40 रुपीज़ के दिए। ये 40 रुपीज़ के मैंने 5 जो थे ना फ्रेंड्स, ये मैंने लिए। और इसके इससे भी छोटा एक साइज़ जो है वो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको फ्रेंड, कि वो जब मैंने लिया था इवन कि वो इससे छोटा साइज़ था वो भी मैंने 40 रुपीज़ का मैंने लिया था, जबकि इसका साइज़ जो था ये बड़ा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे शॉपिंग करना। और मैं बताती हूँ छोटे साइज़ का जो मैंने लिया था वो अभी उसमें प्लांट्स लगाए हुए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैं बताती चलूँ, इस ये इतने से साइज़ का वो नर्सरी वाले इवन की भैया जो आते हैं मुझे वो दे के गए थे, वो 40 रुपीज़ का दे के गए थे, जबकि उसका साइज़ और इसके साइज़ में ज़मीन आसमान का। फ्रेंड्स, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके रेट्स में और जो मुझे हमें नर्सरीज़ के रेट्स में कितना ज़्यादा फ़र्क है। और ये पॉट्स तो मुझे बड़े ही अच्छे लगे, और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि वो मैंने इससे छोटा जो लिया था वो इससे ज़्यादा वो छोटा था, और वो भी 40 रुपीज़ का था, और ये तो काफ़ी बड़ा था। और इसके साथ साथ ये सीजनल प्लांट लगाने के लिए ये मैंने 10 पॉट्स ये जो थे ब्लैक कलर के लिए ये इन्होंने 20 रुपीज़ का ये बताया, और इसमें मैंने कोई भी रेट उनसे कम नहीं करवाया। तो ये मैंने 10 ले लिए, और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये मैंने 10 ले लिए थे। तो मैंने सोचा नहीं ये यूज़ हो जाएंगे सीजनल प्लांट लगाने के लिए यहाँ पर, ये भी अच्छे हैं। बस इसी तरह से ये मैंने छोटी छोटी जो कुछ शॉपिंग थी जो मैंने चलते फिरते मैंने कर ही ली। और सबसे बेनिफिट बात ये मिलती है मेरे पेरेंट्स के घर के सामने जगह भी काफ़ी रहती है, और प्लांट्स वो घर तक भी पहुँचा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको बड़े अच्छे दामों में भी मिल जाते हैं। और आप मुझे साथ साथ फ्रेंड्स, मैंने अभी ज़्यादा कुछ समर्स के सीड्स जो अपनी तरफ से जो मेरे पास रखे हुए थे ज़्यादा ग्रो नहीं करे, लेकिन फिर भी मैंने कुछ परसुलेन पार्चुलोका की कटिंग्स वगैरह जो ग्रो करी हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पार्चुलोका की कुछ कटिंग्स और यहाँ पर परसुलेन की कुछ कटिंग्स वगैरह है जो 2 दिन पहले ही मैंने ग्रो करी हुई हैं। और इसके साथ साथ मैंने कोचिया के भी सीड्स ग्रो करे हैं, वो भी थोड़े छोटे छोटे से जर्मिनेट हो चुके हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कोचिया के कुछ बीज वगैरह थे जो फेंक दिए, अब थोड़े छोटे छोटे से, अभी पता नहीं आपको शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, थोड़े थोड़े से जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट हो गई हुई है। और एक दो जगह मैंने इनके पॉट में और भी ग्रो करे हुए हैं, तो वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। और इसके सिवा अभी मैंने कुछ भी ज़्यादा मैंने सीड्स वगैरह जो है वो ग्रो नहीं करे, बस इतना ही मैंने करा है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये शॉपिंग आपको किस तरह से लगी, और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।